गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं मीनल भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ बाली न्यूज मीडिया में। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमों को अब मिलेगा न्याय। पाली कोरोना संक्रमण के बीच ढाई माह के लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमों की जांच अब शुरू होगी। अब तक करीब 250 से अधिक मुकदमों की तफ्तीश पुलिस के व्यस्त होने के कारण गति नहीं पकड़ पाई थी। ऐसे में इन परिवारवादियों को न्याय का इंतजार था। ऐसे में अब पुलिस पर जल्द से जल्द इन प्रकरणों का निस्तारण करने का दबाव बढ़ गया है। बाली के आसपास क्षेत्र के किसानों की हालत खराब। बाली क्रय विक्रय सहकारी समिति में चना व सरसों की तुलाई चल रही है। अभी तक लगभग 550 किसानों की तुलाई का कार्य हुआ है। तुलाई उन्हीं किसानों की हुई जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3500 हेक्टेयर पर ही चने व सरसों की फसल बताइए, जबकि बाली के आसपास के क्षेत्र में लगभग 10,000 हेक्टेयर पर चने व सरसों की फसल थी, जिस कारण बहुत से किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। चने का भाव सहकारी समिति में 4875 रुपए क्विंटल है, जबकि बाजार में 3800 रुपए का भाव है। इससे किसानों को बहुत हानि हो रही है। किसानों की मांग है कि तुलाई का रजिस्ट्रेशन दोबारा खोला जाए। भंडर पंचायत के विरमपुरा भागल में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने किया पानी के बोरेवेल का उद्घाटन। मौके पर मौजूद जैन वीरेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच दिनेश मीणा, समाज सेवक हेमंत बोहरा, नरेश भाई, सुभाष जी, प्रकाश जी और नाना बीजेपी मंडल अध्यक्ष कानाराम माली सहित कार्यकर्ता प्रतिनिधि मौजूद रहे। बाली के विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने कोटार पंचायत में नरेगा और पीएम आवास का निरीक्षण किया। कोटार पंचायत के अधीनस्थ चल रहे साथ ही नरेगा कार्य को लेकर गांव विकास अधिकारी महेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया, कोटार पंचायत के अंतर्गत करीबन 600 श्रमिकों को नियमित रूप से रोजगार मिल रहा है। विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने झाड़ेली माता के निकट मॉडल तालाब के करीबन 54 लाख की लागत से चल रहे सौंदर्य कार्य, सीढ़ियों व दीवारों का कार्य चल रहा है। बाली उपकांड में नरेगा में श्रमिकों को मिलेगा अच्छा शिकंजी व अन्य पदार्थ। अधिकारी अतुल सोलंकी ने आज बेलार गांव में नरेगा श्रमिकों को छाछ पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अफवाहों से बचे।